मुकदमा हम मौजूद हैं ना विंद के एक खासी मिठाई, एक ऐसा मिठाई जो बेहद स्वादिष्ट होती और वह मिठाई एक क्षेत्र के अंदर मिला थी। विंध्य माँ कई एक तरह के विविधता देखे का मिली, चाहे पर्यटन हो या फिर खान पान। लेकिन खान पान माँ जौने जगह हम मौजूद हैं वहाँ एक स्पेशल मिठाई मिला थी, ओकर नाम है खुरचन। अपना के क्षेत्र माँ या अन्य क्षेत्रन में उका का कहा थे हम तो नहीं जानी, मगर हमारे विंध्य माँ उका खुरचन कहा जाते है। और यह जौन हम हाईवे में मौजूद हैं जो रीवा से सत्ता के ओर जात है, यह हाईवे खुरचन वाली हाईवे के रूप में जानी जाती है। रामपुर बघेलान माँ यहाँ अमूमन जो है यह खुरचन बेहद भारी मात्रा में बनावा जाते है। उस सड़क के किनारे एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है तो विंध्य क्षेत्र के। यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी, शुरुआत करी थी या खुरचन वाली गली जो है देख ले है जैसा उठे लिखा लाग है, ओम जय माँ काली स्पेशल ताजा खुरचन स्पेशल खुरचन। मतलब कुल मिलाए की झोपड़ी नुमा जो जैसे यह देखे ला है झोपड़ी है, और ये झोपड़ी में एक काउंटर रखा है जो उन्होंने लिखा है मिश्रा स्पेशल ताजा खुरचन। और ये में अपना का सड़क के दोनों ओर हम कहा कि हमारा सहयोगी देखा मैं या दोनों ओर जो है अपना का यह मौजूद मिली। या आप चली थे हम खुरचन के दुकान के ओर जहां लोगन के द्वारा यह खुरचन खरीदा जाता है और अपने विभिन्न जो उत्सव है ओमा यह खुरचन के उपयोग किए जाते हैं। चली तो एक जने शख्स हैं जे यह खुरचन खरीद रहे हैं, का शुभ नाम है? प्रतीक पटेल। प्रतीक भाई यह गांव से हैं या बाहर से? बस यहीं आसपास के हैं, रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र। तो यह बताइए खुरचन और मिठाई नहीं खाई, खुरचने भर खाई थे कि? खुरचन हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। हम भोपाल में रहते हैं तो अभी हम गांव आए थे अपने बड़े भाई की शादी में, तो उन्होंने फरमाइश की थी कि हमें खुरचन लेते आइएगा, तो बस हम भाई अभी लेके जा रहे हैं उनके लिए। नहीं तो ये खुरचन कैसा बना थे कर जानकारी हुआ अपना का कहे कि रामपुर बघेलान के आए हैं? दूध मिश्री ऐसे कुछ बनाते हैं भैया लोग, अब यही बता पाएंगे भैया लोग, जब ज्यादा जानकारी तो नहीं है इस बारे में। चलिए तो मतलब सबका घर में पसंद है ये खुरचन, कितना ले रहे हैं खुरचन आज? 1.5 केजी। चलिए अपनों को खुरचन के बारे में जानकारी है? अच्छा है तो जानकारी, मतलब हमारा फेवरेट डिश है स्वीट्स में ये हमारा खुरचन। हम जब भी आते हैं यहाँ पे तो हम यहाँ से खुरचन जरूर लेके जाते हैं, और हमारे बच्चों को भी पसंद है तो उन्होंने हमको स्पेशली बोला है कि आप खुरचन लेके आइए हमारे लिए, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। चलिए एक क्वालिटी कैसा चेक करी थे अपना की कहे की बहुत सारी दुकान ही ये थे, लगभग 20 दुकान हम देखे लागे सड़क के यहाँ पार ही वहाँ पार है, तो कैसा चेक करी थी की बेहतर कहूँ है? ऐसे तो हम बता नहीं सकते किसी क्वालिटी कैसे है, क्योंकि हम तो बस ऐसे टेस्ट करते हैं। अगर ज़्यादा हमको स्वीट लगा, मीठा एकदम ऐसे शुगर टेस्टी लगा, तो हमें बोलते हैं कि इसमें शुगर ज़्यादा एडेड है। लेकिन अगर ऐसा अपन जैसे मलाई का टेस्ट आता है तो हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ इसमें कम शुगर है। बाकी क्वालिटी तो हम क्वालिटी मैनेजर नहीं है कि हम चेक कर पाए कि क्वालिटी कैसी। अपना की माइक कहाँ है? हाँ रीवा में है। रीवा में? हाँ। ससुरार यहाँ में है। हाँ। बीचों बीच मतलब ये रास्ता के अपना के जो ये खरीदारी है जारी है, और निश्चित तौर पर अपना देख रहे हैं कि एक लंबे पूरे बाजार जो है सड़क के किनारे बना बगा है। अब चलिए हम जे एक निर्माता हैं उन्हीं से बात करी थे कि आखिर यह खुरचन कैसा बनावत है और यह खुरचन कितना उनका सेलिंग ही और का कुछ एक एक हितर मियाद होती, कितने दिन तक वो सुरक्षित रह सकते हैं खुरचन, सब कुछ जाने के प्रयास। का नाम है मिश्रा जी? बीरेन मिश्रा। अपने बनाई थे? जी घर में बनता है। कैठ गैयद है हन? गाय 3-4 गाय 2 भैंस है। प्योर मलाई है, 1 पाव दूध करके बनता है। बघेली बोली थी ना? जी। तो अपना खड़ी हिंदी सोच रहे हैं? नहीं हो गया, अब जैसे बात करते हैं वैसे बात करते हैं फिर। हाँ नहीं तो ये बताई कि ये कऊ में बनत कऊ में है थोको हुआ प्लेट ऊपर ले आई प्लेट है, प्लेट में 1-1 पाव दूध के बनता है। चलिए हम कहब कि यह खुरचन पहले दिखाए दिन जाए। यह खुरचन जो है एमा मलाई का जमाए जमाए के और एक परत एमा शक्करों के रहती, इसमें मीडियम शक्कर रहती, इसमें परत हल्की परत में मीठा के लिए, सूख जाता है रखने से तो सूखता नहीं, उससे जैसे नमी बनी रहती है इसलिए उसको हल्की मात्रा में पड़ती है, बाकी इसमें और कुछ नहीं पड़ता, खाली मीठा शक्कर रहता है और मलाई।
दो चीज रहते, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं रहता। चलिए भैया, मतलब जैसा एक किलो तैयार करें में कितना मटेरियल लागत है, कितना दूध लग जाते हैं एक किलो खुरचन तैयार करें? इसमें 5 किलो दूध में बनता है पूरा। 5 किलो दूध में 1 किलो खुरचन बना था, कितना रुपया किलो होते है? किलो हो गया 380-400 चलता है अच्छा खुरचन जी। 400-380 में मतलब समथिंग इसका रेट रहता है जी। नहीं तो मतलब एक अपना पहले बलकाई थे दूध का, फिर मलाई बना थी तो उसका अलग निकाला जाते जी। एक एक पाव दूध के बनता है, एक पाव दूध कढ़ाही में डाल दिए तो पूरा पक के ऊपर मलाई जम जाता है, उसको मलाई निकाल के थाली में लगाते हैं और शक्कर जो होती है हमारी शक्कर को गलाई जाती है, फिर गलाने के बाद उसको पीसा जाता है, चाला जाता है, चालने के बाद उसमें वो महीन परत उसको डालते हैं जी। चलिए तो खुरचन बन जाते हैं। यह बताइए कितनी दुकान हुई या रामपुर बघेलान में खुरचन के? दुकान है समथिंग 60-70 दुकान। 60-70 दुकान और सब घरन में गैया भैंसी हुई तब है जेके घरे में हुई कि खरीदी कह के दूध बना बजा? जो मतलब नहीं बनाते तो दूध दे देते हैं, जो बनाते हैं घर में रखते हैं अपने जानवर, जो एक्स्ट्रा होता है जिसके पास नहीं बनाते वो दे देते हैं भट्टी में। नहीं तो यह अपना जो ऐठ लगाए हैं अपन या झोपड़ी बनाए हैं, 21 साल से यह व्यापार हो रहा है? यहाँ का लगभग 20-25 साल हो गए। हाँ जी। तो अपने शुरू करें या अपना पिताजी शुरू करें या पहले? अरे बाबा लोग पहले बनाते थे तो पहले होटलों में जाता था ये। हाँ 100-150 वर्ष पुराना धंधा है, 2-4 लोग बनाते थे पहले, वो होटल में जाता था, उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रचार बढ़ता गया। हमारे बड़े पिताजी के बालक और परिवार से एक और था, दो लोग यहीं लगाए तो गया, सब धीरे धीरे फिर लगाने लग गए, निकलने लगा, सेलिंग हो गई इसकी। नहीं तो ज़्यादातर मिश्रा परिवार के जो वो लगा है खुरचन के दुकान बनता है, इसके अलावा कहीं बनता नहीं। नहीं तो मिश्रा परिवार मतलब अपने के परिवार से ही हमारे बाबा जो थे दादी लोग वो बनाया करते थे, उसके बाद फिर जो है अपन पूरा परिवार बनाने लग गया जो मतलब मावेशी। नहीं तो यह सिर्फ मिश्रा परिवार बनावा थे या फिर औरों कोनो परिवार या धंधा में उतरा है? सब बनाने लगे धीरे धीरे, पहले नहीं बनाते थे, पहले हो गए ऐसे गिने चुने लोग बनाते थे हमारे जो पुराने बाबा लोग दादी लोग बनाते थे, उसके बाद धीरे धीरे फिर सभी लोग बनाने लग गए यहाँ। अच्छा। चलिए तैया हमारे हाथ में हुआ देख सकी थे अपना, हम कहा कि हमारे सहयोगी देखा मैं यह हुआ खुरचन है जो ने का अपना दूर दूर से लोग जो है एकर नाम सुन के आबत है, और वजह का है कि यह शुद्ध दूध से बनी मलाई और मलाई के बीच में एक हल्की परत शक्कर के और ओके बाद यह बन जाते हैं खुरचन, और वह खुरचन का दूर दूर से लोग यहाँ खाए आवत हैं। और एका यह बताइए कितने दिना तक जो है यह सही रह सकत है? ठंडी में तो 5-6 दिन तक चल जाता है। अच्छा। और गर्मी में दो से तीन दिन से ज़्यादा नहीं चलता। हाँ एका ताज़ा बनाई थे अपना पचे और बेच ताज़ा जी, लगभग लगभग रोज ही निकल जाता है, थोड़ा बहुत बच जाता है किलो खाड़ तो सुबह निकल जाता है। कितना मतलब ये माना जाए कितनी सेलिंग ही अपना पचे? सेलिंग लगभग हर दुकान में 5-6 किलो खुरचन मतलब बिकता है, कभी 10 किलो भी बिक जाता है। मतलब 2-2.5 हज़ार के धंधा हो जी जी है ना जी। तब फायदा है मां का माना जाए? फायदे में हो गए काटे पीटे आप लोगों को मतलब 400-500 रुपये तक मिल जाता है, 500 रुपया एक आदमी का बच जाता जी। चलिए भैया व्यापार है जो वर्षन से चल रहा है, मतलब दशकन से यह चल रहा है और कई दशक से पीढ़ी दर पीढ़ी यह व्यापार कीन जा रहा है, सड़क के आर पार यह फैला व्यापार जो वर्षन से एक परिवार के द्वारा तो शुरू कीनगा लेकिन आज अब लोगन के आजीविका के बड़ा साधन है। सबसे बड़ी बात कि यह मलाई से बना या स्वादिष्ट मिठाई जो रामपुर बघेलान के एक सीमित क्षेत्र में बनत है लेकिन वह लोगन के जबान पर एक मिठास दे देते हैं और वह मिठास का लोग भूल नहीं पावे, जौने से जब यह सड़क से आना जाना होते है तो यह खुरचन के स्वाद जरूर लेते हैं, कहे कि ठंड के समय में यह खुरचन 5 दिन चलत है और गर्मी के दिनन में 2 दिन में एका खाए का पड़त है। अमूमन लोग फ्रीज में रख के एकर जो है उपयोग करते हैं। अठे भैया का नाम है अपना? सौखीलाल वर्मा। अपना बनाई थी खुरचन? नहीं खुरचन नहीं बनाई, खरीदी थी। खाई थे? खरीदी थे, खाई नहीं। खाती हैं जब न... हाँ हाँ त
कैसा मतलब खरीदे आए हैं मीठे? नहीं नहीं, हम हमारी भी दुकान आगे है एक। हाँ, तो खरीद के बेचते हैं हम। अच्छा, बनाते अपना खरीद के बेची थे जी। कैसे खरीदी थे आपने? लोकल ग्राहक खारी है, तपा है, भैया जी हैं, और कहीं से भी मिल गया। अच्छा, अपना बच्चे खरीद के बेची थे जी। तो कौन परिवार ज्यादातर बनावत है? यहाँ सब बनावत है, ज्यादातर त्रिपाठी मिश्रा ज्यादा बनावत थे। अच्छा, और खारी तपम और लोग बनाते हैं सब। दूर दूर से आता है, चलना है, इधर है, बैरिहा है, तपा है। अच्छा, बगहाई है। कितने गांव हुई ऐसा जो लगभग वैसा लम सब? लगभग इंठे 10-20 गांव जहाँ सिर्फ खुरचन बनाते। हाँ, सिर्फ खुरचन बनाते, मेहरिया मन से रुआ घरे के सब बनावत। हाँ, तो अपना का भाव ले थे, का भाव बेची थे? हमका यहाँ 280 90 खरीदी थे। वो बेचित लगभग 350 के से ऊपर है, लास्ट 350। हाँ, कई साल से अपना बेच रहे हैं ये? तो हमारे 1 साल से काम चल रहा है। अच्छा, बाकी हमारे गांव में यहाँ बहुत सालों से चल रहा व्यवसाय जी। चलिए, तो मतलब ये गांव में गई हो गुरुआ खूब हो ही तब? हाँ है, दुधारू पशु रखे हैं, बाहर से भी दूध लाते हैं। अच्छा, या बनावे खाते? बनावे खाते जी। ऐसा तो नहीं मिक्स करते हैं और दुनिया भर जो दूध उध नकली दूध और यह सब? हाँ हाँ, या माँ एक खुरचन में दूध के अलावा कुछ मिल ही नहीं सकता। हाँ, यदि मिलेगा तो तुरंत तो खराब हो जाएगा। अच्छा, इसमें शक्कर दूध के अलावा कुछ तो भी नहीं है। हाँ, हाँ। कुछ भी नहीं मिलावट है इसमें। हाँ। जी, मतलब कुल एमा शक्कर और दूध? दूध, अंतर इतना हो सकता है कि बनाने वाली कहीं थोड़ा शक्कर ज्यादा कर दिए वजन बढ़ावे का, और कहीं कम हो गया। भाई शक्कर सस्ता पड़त ही, दूध महक पड़त है जी। यहाँ 50-60 रुपए किलो दूध मिल रहा है, फिर उसका चलावे के खर्चा, फिर बनाने का लकड़ी का खर्चा। हाँ, तो उनका भी 10-50 बच जाता, 10-50 हम लोगों को मिल जाता है बस ऐसा। चल, ये बताइए शासन स्तर से कौनों में के या मिठाई का संरक्षित करे के, या यहाँ के विधायक जो है विक्की भैया जी, कुछ प्रयास करें कि या बाजार एक बनाए और जौने से कृषक जो किसान हैं जिनके घर एक मवेशी है उसे कुछ बेहतर एक बाजार मिले, एक मार्केटिंग बन जाए। हाँ, तो जैसे रोड में हम लोग बैठे हैं, यदि मार्केट हो जाए। हाँ, तो स्थाई हो जाए, अच्छा भी लगेगा। तो व्यापारों बढ़ी है, सुरक्षा हो रही। तो अभी ऐसा कोनो स्तर के प्रयास नहीं किए गए हैं। कब मांग करें ना अपना बच्चे विधायक से जी? मांग तो अभी नहीं किए ना है, कहे कि ये खतरा है अपना बच्चे 50 भर नहीं, 50 से बिल्कुल अंदर जो है व्यापार कर रहे हैं, कोनो दुर्घटना ग्रस्त या तेज रफ्तार में वाहन आवे तो अपना बच्चे का समय खुरचन बना दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुरचन बन जाए आप अपना। बिल्कुल, यह खतरा हर समय बना रहा था। कब हादसा भाई? हाँ, कई बार हो चुका है, यहीं पे मृत्यु हो गई लोगों की आते जाते समय। पर अभी संयोग से खुरचन वाले की ठेला में भी एक बार मार दिए, बच गए, कभी खुरचन वाले का हादसा नहीं हुआ। मगर खतरा तो बना है, खतरा बना है। यदि मार्केट हो जाए तो हम लोग पीछे हो जाए, गाड़ी पार्किंग के लिए भी सुविधा हो जाए। हाँ, भाई ग्राहक रुका थे और सब तरह के। हाँ जी, चलिए तो कुल मिला के जहाँ हम मौजूद हैं ये खुरचन वाली हाईवे आए, ये खुरचन के हाईवे में अपना मौजूद हैं। स्वाद से भरपूर है ये खुरचन, लेकिन बद इंतजामी के आंसू बहा रहा है वह किसानों जो ये खुरचन के बेच रहा है। कहे कि शासन स्तर पर जनप्रतिनिधि कोनो खास प्रयास नहीं कह रहे कि एक व्यवस्थित की जाए, एक बाजार दीन जाए, और लोगन के आजीविका के जो बड़ा साधन है एका एक बाजार तैयार करके एक व्यवस्थित बाजार दीन जाए। लेकिन यह है कि बदहाली के आंसू जरूर बहा रहा है, लेकिन यह खुरचन कई एक परिवारन के घर में चूल्हो जलाए रहा है। एक बड़ी विडम्बना यह ही कि मवेशी कलई के यह कहा जाते हैं कि गली गली बागी रहे हैं, सड़कन में बागी रहे हैं, मगर ये सड़क के हाल अपना देख सकी थे, एक ठे मवेशी अपना का कहाँ दूर दूर तक न दिखाई। कहे कि किसान के लगे यदि दुधारू पशु है और ओका दूध का उपयोग कर रहे हैं तो वह पशु का सड़क में नहीं छोड़े, आवारा नहीं हो पावे। और कुछ किसान ऐसा हैं जो दूध निकाल के वो पशुन का छोड़ ही देते, और जब तक दूध देते तब तक तो रखा थे, फिर बाकी पशुन का छोड़ ही देते। ओहू से कई एक ठे हादसा होते और वह गाय के सरापो लागत है। यह बताइए कि अपना के गाँव से जो किसान है तो कई एक तरह के मवेशी रखे हुए ही, और जैसा अपना बताया कि दूध खरीदता हुए उपजे, लेकिन गांव में मवेशी तो किसान लगभग लगभग सवे रखे हुए जी।
अधिकतर लोग रखे हुए हैं। जी जी रखे। तो ये बताइए, यूं आवारा पशु के समस्या है कि नहीं है? आवारा पशुओं के जो कुछ किसान ऐसे हैं जो खेती नहीं करते हैं, वो आवारा छोड़ देते हैं, उनसे तो फसल प्रभावित होती है, रात जगह करना पड़ता है। नहीं तो ऊँ पचे या खुरचन के व्यापार नहीं करें, ऊँ खुरचन के व्यापार नहीं करें ना खेती करें, लगाए शाम के और ढेर दिन दिन भर खेत खाएं, अकि कोनो डंडा मार के रगड़िस भगाइस। चले तो सड़क के दोनों पार या खुरचन के दुकान अपना देख सकी थे कि हर जगह अपना का वो खुरचन के दुकान दिखाई, और निश्चित तौर पर यह आजीविका के साधन जरूर है, लेकिन सरकार के नज़रअंदाज करे के चलते ये विंध के मिठाई, विंध के स्वादिष्ट मिठाई कब तक लोगन के मुँह तक पहुँच पाई यह कोनो गारंटी नहीं है। कहे कि एक ऐसा व्यवस्थित बाजार है कि जो कब खत्म हो जाए एकर कोनो भरोसा नहीं है। कहे कि पीढ़ी दर पीढ़ी त्रिपाठी मिश्रा और कईक परिवार जो या खुरचन के जो बनावे के है पद्धति मालूम ही और वो बनाए रहे हैं, लेकिन जब सरकार या और ध्यान न दी तो या आखिरकार कब तक ये व्यवस्था चल पाई एक का कुछ कहा नहीं जा सका। ये बताइए मिश्रा जी, अपना के बालक का कर रहे थे? बालक अभी हमारे छोटे हैं। छोटे हैं तो का हूँ खुरचन बेची ही या फिर कुछ सोचे हैं उनके बारे में? सोचे तो हैं कि आगे बढ़ें, पढ़ा लिखा करके कोई नौकरी बढ़िया मिले आगे उनको, मतलब अपना के पीढ़ी से ये खुरचन बंद हुई जी माना जाए। अब मान रहे हैं, लेकिन वैसा सरकार की तरफ से कोई योजना है नहीं, जो भी है सरकारी वैकेंसी वो भी खत्म हो रही है धीरे धीरे। अपना के परिवार से अपने खुरचन बनवाई बनाई थे जी, तो बेची थे जी, जी। फिर अब आगे आने वाली पीढ़ी का खुरचन माई आगे वाली नहीं आई, मतलब बेटा से खुरचन मिश्रा जी के बंद हो जी जी अपना के बाद जी जी। चलिए तैया सोच तो यही है कि जो हमारी पीढ़ी ये काम रिक्शा वाला रोड में ना करे। चलिए तैया सालन से चली आ रही, मतलब 100 से 150 वर्षन के या एक मिठाई अब विलुप्त हो के कगार में हम कह सके थे, कहे कि अपना एक आखिरी पीढ़ी का देख रहे हैं और ये आखिरी पीढ़ी अपने लड़का बच्चन का या खुरचन से दूर कह रही है, कहे कि अपना के परिवार है या कला का जाना थे कि यह बनत कैसा है, और जब अपना या व्यापार से हटी ही तब फिर समझी कि खुरचन लोगन के हाथ में न पहुंची बल्कि सड़क के किनारे गायब हुई जी और लोगन के मुँह से वह मिठास खुरचन के जरूर गायब हो जी। तो सरकार को यह और ध्यान दे और एक व्यवस्थित बाजार दे के प्रोत्साहित करें कि यह बाजार चलत रहे, तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।